इंडिपेंडेंट राइटर ही शुरू किया एंड आई हैव नेवर रियली असिस्टेड और एनीथिंग. तो मैंने अभी काफ़ी कई सालों से लिखती आई हूँ एंड मैं इट इज़ बीन एन इंटरेस्टिंग जर्नी बिकॉज आई जस्ट लव द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड कई शोज लिखे अलग अलग जॉनर्स. आई हैव बीन लकी टू राइट शोज ऑफ डिफरेंट जॉनर्स एक्चुअली. हॉरर हो, थ्रिलर हो, ड्रामा हो, आई हैव बीन राइटिंग डिफरेंट एंड हिस्टोरिकल ऑल्सो बिकॉज आई रिटन शोज लाइक महाराणा प्रताप अशोका एंड एवरीथिंग. एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग इट हैज़ बीन एन उड़ान. इट हैज़ बीन एन एक्सट्रीमली गुड एक्सपीरियंस बिकॉज हमारे पूरे टीम, उड़ान का चैनल टीम हो, उड़ान का प्रोडक्शन हाउस टीम हो, इट हैज़ बीन अ ग्रेट टीम एंड सो इट हैज़ बीन अ वेरी ऑसम एक्सपीरियंस. टू गेट माई फर्स्ट अवार्ड फॉर उड़ान इज बीन वेरी स्पेशल बिकॉज मेरी पूरी टीम बहुत स्पेशल है. सो आई थिंक इट्स बीन अ टीम अवार्ड विच अल्टीमेटली केम आउट इन द फॉर्म ऑफ मी एज गेटिंग एज अ राइटर ऑल्सो. हमने बहुत ही प्यारी सी फिल्म बनाई है पिंकी गुड़ी पार्लर और जब भी हम सब मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी से ही मिलते हैं तो ये उसी खुशी का एक झलक है. और हम लोग बहुत एक्साइटेड है फिल्म को लेकर. बहुत डिफरेंट फिल्म है, बहुत एंटरटेनिंग है. ऑल्दो एक इशू के बारे में बात करती है बट इट्स स्टिल अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म. सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी टू बी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म और एकदम फैमिली जैसा है पूरा टीम. और हमने फिल्म मतलब सिर्फ दिल से बनाई और कुछ नहीं. दे आर सो डिजर्विंग फॉर ऑल द अवार्ड्स दे हैव गॉट. दोनों इतने हार्ड वर्किंग है एंड दोनों का कन्विक्शन इतना ज़्यादा है. अगर एक चीज़ ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं. और कभी भी मैंने अक्षय सर को किसी भी चीज़ पर पैनिक करते हुए या सो मतलब ये कैसे होगा वो कैसे कभी देखा ही नहीं. दे आर वेरी चिल्ड आउट, वेरी कूल पीपल एंड आई लव वर्किंग विद सच पीपल हु आर वेरी यू नो कि मतलब पैशन से सिर्फ काम करते हैं. खास तो कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि आप, मुझे लगा था कि हम ही सब मिल रहे हैं बस कास्ट एंड क्रू. तो मैं ऐसे कैजुअली आ गई है ना, लाइक बीइंग कैजुअल शी कैन. दैट्स ऑल. आप बहुत एक्साइटेड नजर आ रही हैं, कितना मजा करने वाली हैं. बहुत ज़्यादा. मैं तो जब भी सबसे मिलती हूँ बहुत मज़े करती हूँ और वही मज़ा है. काम हमेशा ऐसे होना चाहिए कि पता ही नहीं चला कि काम हो रहा है. एंड बिकॉज हमारी टीम इतनी अच्छी थी, सबके साथ हमने इतनी मस्ती की, पता ही नहीं चला कब फिल्म खत्म होगी. मतलब सच में लगा था कि फैमिली हॉलीडे पे गए थे हम लोग और वापस आ गए.